मेरे दोस्त की जान, चलती ट्रेन के आगे धक्का देकर उतारा मौत के घाट। दरअसल पूरा मामला जिले के सौर बाजार थाना अंतर्गत बैद्यनाथपुर पुलिस शिविर के क्षेत्र के खजूरी रेलवे ढाला के समीप की है, जहां दोस्त ने दूसरे दोस्त की जान ले ली। बताया जा रहा है कि मृतक 20 वर्षीय रोशन कुमार को उनके ही दोस्त प्रिंस कुमार ने उन्हें घर से बुलाकर तेज गति से आ रही ट्रेन के सामने धक्का देकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। वही घटना को लेकर मृतक के परिजनों की माने तो एक महीने पूर्व प्रिंस कुमार और रोशन कुमार के बीच दोस्ती हुई थी। प्रिंस कुमार ने रोशन कुमार के घर आकर उन्हें अपने साथ रेलवे ढाला के समीप ले जाकर तेज गति से आ रही ट्रेन के सामने धक्का दे दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने सौर बाजार थाना क्षेत्र के सखवा निवासी प्रमोद यादव के पुत्र प्रिंस कुमार पर हत्या करने का आरोप लगाया है। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद बैजनाथपुर पुलिस शिविर प्रभारी मजबूदीन अहमद अपने दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। हत्या कर दिया गया है इनको, नेह कुमार घर से लेकर के गया और वहां जा करके इनको धक्का दे दिया। ट्रेन आ रही थी और धक्का दे दिया, ये देख कर गया। तब उसके बाद वो कॉल कर दिया दूसरे लड़का को, उसके द्वारा हमको सूचना मिला कि ऐसे ऐसे बात हो गया। जब तक वहां हम लोग पहुंचे तो डेट पर आ गया। क्या कारण है और मौत की क्या कारण लग रहा है आपको? ये तो नहीं बता सकते हैं, बट ये है कि अब उनके साजिश से मारा गया दोस्ती में, और दोस्त ने ही दोस्त की जान ली जी। तो वो जो लड़का है जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं, वो कहाँ का रहने वाला है? सौर बाजार का। और ये कहाँ? सौर सखुआ। और ये लड़का कहाँ का? अर्रहा का। तो क्या लग रहा है मौत के कारण क्या हो सकता है? आपसी रंजिश होगा कुछ उन दोनों में आपसी रंजिश हो सकता है। जानकारी आपको क्या मिली थी? मिली थी कि एक्सीडेंट कर गया है। एक्सीडेंट की जानकारी? हाँ, हमको एक्सीडेंट की जानकारी मिली थी। और वहाँ जब पहुँचे तब वहाँ का आदमी सब बताया कि इनको धक्का देकर कि इनका दोस्ती जो लेकर के आया था वो मार दिया। शब्द जो है वो कहाँ पर पड़ा मिला आपको? खोजरी के बगल में रेलवे ट्रैक है, उसके बगल में। रेलवे ट्रैक के बगल में शब्द मिला। कितना साल है उम्र उसका आदमी? 21 साल। क्या नाम है मृतक का? रोशन कुमार। जो जिसका आरोप लगा रहा उसका क्या नाम है? प्रिंस कुमार उर्फ नन है। आपका क्या नाम है? नीतीश कुमार। अभी हमको सूचना मिली है रेलवे ट्रैक के पास एक आदमी का डेथ हो गया है। पता ही तो रेलवे के अंदर पड़ता है, लेकिन हम आए हैं तत्काल। जो भी कार्रवाई हम कर रहे हैं किया जाएगा, उनका मामला मैंने रेलवे से सटा हुआ है। इस पर अग्रिम कार्रवाई जो भी होगा विधि सम्मत करेंगे। क्या नाम है मृतक का? रोशन। कहाँ रहने वाले? अच्छा, बात सहरसा बिहार से। जिला ब्यूरो शिव कुमार भगत की रिपोर्ट, R9 भारत। केसरिया प्रखंड अंतर्गत ढेखा गांव में शुक्रवार को दो टीम के बीच फाइनल मैच का उद्घाटन कांग्रेस नेता प्रफुल्ल कुमार व स्थानीय मुखिया दिलीप कुमार यादव ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। वहीं एक बॉल खेलकर मैच की शुरुआत मुखिया श्री यादव ने की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ग्रामीण प्रतिभाओं को और अवसर देने के लिए किया गया ये आयोजन सराहनीय है। वहीं कांग्रेस नेता प्रफुल्ल कुमार ने कहा कि मैदानी खेल से दूर होने के कारण युवा बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। टूर्नामेंट के माध्यम से अपनी प्रतिभा दिखा सकेंगे और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। वहीं सभी खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। वहीं बैरिया के रॉक स्टार की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 104 रन बनाकर विनर कप पर कब्जा जमा लिया, जबकि ढेखा क्रिकेट क्लब की टीम ने 10 ओवर में 77 रन बनाकर हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं मैन ऑफ द मैच रॉक स्टार की टीम राजा क्रिया रिपीट वहीं मैन ऑफ द मैच रॉक स्टार की टीम राजा को दिया। इस मौके पर विनोद गुप्ता, विपुल सिंह, डॉक्टर इमामुद्दीन, निजामुद्दीन अली, कुंजेश सिंह, परी कम्युनिकेशन के प्रोपराइटर इमरान अली, इरफान आलम, नरेश शाह, नागेंद्र शाह, कमेंट्रेटर प्रियांशु श्रीवास्तव, संजीव कुमार सिंह, एम्पायर विवेक यादव, नौसाद आलम सहित सैकड़ों दर्शक मौजूद थे। मैच खेलने का उद्देश्य जैसे कि बच्चों में उत्सुकता बढ़ेगी और खेल का बहुत अलग होता है, शारीरिक मेहनत भी होता है, बच्चों को मेहनत करने से फल मिलता है और उसे पढ़ाई और शिक्षा पर भी इसका असर पड़ता है। क्या नाम हुआ आपका? प्रफुल्ल कुमार। नमस्कार, R9 भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं अशरफ आलम आज केसरिया प्रखंड के ढेठा पंचायत में रॉक स्टार क्रिकेट क्लब व ढेका क्रिकेट क्लब के बीच T10 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन स्थानीय मुखिया दिलीप कुमार यादव व कांग्रेस नेता प्रफुल्ल कुमार ने फीता काट कर किया। इस मौके पर मैच खिलाने का उद्देश्य है बच्चों में खेल के साहन साथ
और उसके गांव में बच्चों को खेल के खेल के लिए प्रोत्साहन मिलता है। क्या नाम हुआ आपका? दिलीप कुमार यादव। केसरिया से अशरफ आलम की रिपोर्ट, R9 भारत। बेतिया पश्चिम चंपारण जिले के अंतर्गत मुफस्सिल पिपरा चौक डॉक्टर पंकज कुमार द्वारा जहां प्रति मरीजों से 50 रुपए मरीज देखने के लिए फीस वसूली जाती है, वहीं आम दुकान में बने घर में रोगियों के विभिन्न प्रकार के रोगों का ऑपरेशन एवं इलाज किया जाता है। पर इस संबंध में डॉक्टर प्रमोद कुमार से पूछे जाने पर बताया कि उन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन क्लिनिक चलाने के लिए नहीं कराया, क्योंकि शायद वे रजिस्ट्रेशन कराना उचित नहीं समझते। वहीं हाल जगदीशपुर चौक पास स्थित शिवम चिकित्सालय का, जिसका कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, उक्त क्लिनिक के संचालक का कहना है, उन्होंने कई बार इस संबंध में विभाग को लिखित भी दिया, परंतु उनके क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन स्वास्थ्य विभाग द्वारा नहीं किया गया, जबकि विभागीय सूत्रों के मुताबिक इस प्रकार के क्लिनिक संचालित करने वाले लोगों द्वारा ऐसी कोई सूचना लिखित नहीं दी गई। अब इस बात को क्या समझा जाए कि आखिरकार किसके इशारे पर इस प्रकार के अवैध नर्सिंग होम संचालित हो रहे हैं, जो अपने आप में जांच का एक विषय है। अभी तक तो रजिस्ट्रेशन पूरा हो ही नहीं रहा है। रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसलिए आपने नहीं करा। आपका नाम? मेरा नाम राकेश। आप इस क्लिनिक पे? कहाँ पे घर? ये भी घर है, गांव में हमारा। क्या कौन सा? क्राइम ब्यूरो, जय किशोर शर्मा, बेतिया, R9 भारत। अरेराज प्रखंड क्षेत्र के नवादा पंचायत के सैकड़ों की संख्या में पंचायत के महिला व पुरुषों ने अरेराज प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन देकर पंचायत के जनप्रतिनिधियों व मनरेगा JE पर आरोप लगाते हुए दिया आवेदन। पंचायत की प्रतिमा देवी, विंदाराम, अतुल कुमार, बबलू चौबे, बिट्टू कुमार आदि ने कहा कि पंचायत में होने वाली मनरेगा योजना के तहत कार्य लेबर से नहीं कराकर अत्याधुनिक मशीनों से कराया जा रहा है, जो कि निंदनीय है। एक तरफ सरकार बेरोजगारों को पेट भरने के लिए तरह तरह के कार्य करा रही है, वहीं कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से गरीबों के पेट पर लात मारे जा रहे हैं। वहीं राहुल कुमार, विंदा देवी, धर्मेंद्र राम आदि ने कहा कि हमारे पंचायत में जल जीवन हरियाली के तहत होने वाली कुआं का जीर्णोद्धार तो हुआ है, पर सोखता का निर्माण नहीं हुआ है। मनरेगा के लिए प्रावधान है कि इनको ग्राम पंचायत में आवेदन देना होगा, जॉब के लिए जॉब कार्ड बनवाएंगे वहाँ, अपना उस आवेदन के बेस पे जॉब कार्ड और फिर रोजगार मिलेगा। इंदिरा आवास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना नाम है, उसमें जो सूची है अभी वर्तमान में, उसमें अगर कोई आयोग लाभुक का है, जैसा कोई दावा कर रहे हैं कि गलत है, उसका सूचना हम लोगों को दे, हम लोग सूची प्रकाशित भी किए हुए हैं, जो भी मांग रहा है उसको हम लोग सूची दे देते हैं। वो अगर चिन्हित करके देगा उसका हम लोग नाम डिलीशन कराएंगे, उसमें वो नहीं लाभ मिलेगा। और जो योग्य लोग दावा कर रहे हैं कि हम छूटे हुए हैं, उनकी सूची हम लोगों को उपलब्ध कराएं, जैसे ही नाम जोड़ने की प्रक्रिया होगी हम लोग जोड़ करके उनको लाभ। आरोप है कि हम लोग का फोटो भी खिंचाया लेकिन नाम नहीं आया, पैसा मांगा गया नहीं दिए थे। अब ये सर्वेक्षण 2018 में हुआ था, उस समय हम थे नहीं तो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी, और इनके पास अगर कोई साक्ष्य है तो साक्ष्य के साथ लगा के हमारे पास दें, कार्रवाई की है। R9 भारत, मैं हूँ संतोष। आज मैं अरेराज मंडल क्षेत्र के अरेराज प्रखंड के प्रांगण में हूँ, जहाँ अरेराज प्रखंड क्षेत्र के नवादा पंचायत, जो कि नवादा पंचायत गंडक दियरा क्षेत्र में पड़ता है, कुछ गंडक दियरा क्षेत्र में पड़ता है और कुछ उत्तर साइड में पड़ता है। उस पंचायत के लगभग 100-150 के, आप कैमरा के माध्यम से देख सकते हैं, 100-150 के संख्या में कुछ वहां के जनता आए हुए हैं, जो कि संग्रामपुर अरेराज प्रखंड में आए हुए हैं, जहां वहां पे इन लोगों का कुछ शिकायत है, पंचायत में कुछ शिकायत है, जो शिकायत करने यहां के वीडियो से आए हुए हैं। आइए बात करते हैं आखिर क्या शिकायत है इन लोगों को। क्या नाम हुआ आपका? अपन विकास लायल बन, कथी लायल बन, का विकास में का दिक्कत हुआ है? का दिक्कत बा? दिक्कत बा ये जे हमके नल जल में यति पानी नहीं के मिलत, हमके साले भर से बेसिए से हमके इंदिरा आवास नहीं के मिलत, घर नहीं के मिलत, काहे नहीं के मिलत। और क्या दिक्कत ये हुआ है कि
नवादा में 250 घर आया है, हमारे मननपुर में एको गो घर नहीं आया है, का है और क्या दिक्कत है? दिक्कत ये मनरेगा हमनी बनियारा बनी सावित्री देवी जैसे कह रही है कि नरेगा से काम नहीं हो रहा है, इंदिरा आवास में घर नहीं मिला है, क्या चीज का घर है आपका? हम मड़ई टाटी का घर है, क्या दिक्कत है? हमारा दिक्कत भाई अपने हजू, हमारा ना घर बा ना हमारा घर आरी बा ना हमनी के नल जल बा, कोनो चीज नहीं है। आइए इनसे बात करते हैं, क्या दिक्कत है आपको ये बताइए। सर देखिए दिक्कत बहुत ज्यादा है हमारे गाँव में पंचायत में, पोखरा कौन आ रहा है मशीन से, और हम लोग युवक हैं, मजदूरी नहीं लग रहा है, मनरेगा में नामे नहीं जुड़ रहे हैं, मजदूरी करते हम लोग तो खमाते खाते हैं, जैसी भी मशीन से जो है खुदाई करा के मजदूरी मार दिया जा रहा है हम लोगों का। यानी आपका शिकायत है जो काम मजदूरी से कराना चाहिए। देखिए सरकार एक तरफ कह रही है कि मनरेगा से होने वाले हर कार्य को मजदूरों द्वारा कराया जाएगा ताकि मजदूरों को रोजगार मिलेगा, लेकिन वहाँ के जनप्रतिनिधि और मनरेगा के JEPO के मिली भगत से, उस पंचायत के JEPO और जनप्रतिनिधि के मिली भगत से मनरेगा के कार्य आधुनिक मशीन से कराया जा रहा है। जी सर हाँ आधुनिक मशीन जी यही जिससे इन लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है और भूखा लोग रह रहा है। आगे क्या दिक्कत है, क्या कोई हाँ मुखिया जी घूस मांग रहे हैं काम करने से, हम बोले हमारे मांग रहे हैं जब नाम देंगे तो पैसा दीजिएगा तो नाम जोड़ेंगे। जैसे मनरेगा में काम देने के लिए पैसा की मांग कर रहे हैं, क्या मनरेगा का पैसा आप लोग के खाता में आता है तो पैसा आप लोग रखते हैं या मुखिया जी को देते हैं? जुड़ा नामे नहीं सर, जुड़ा है नामे नहीं है। अच्छा जल जीवन हरियाली के अंतर्गत पोखरा का निर्माण हुआ है, वो कैसा हुआ है? सर कहाँ कुछ हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, पता ही नहीं लगता है कब रात में मशीन से ले जाके दियरा में पोखरा खोदवा रहे हैं, इनको पता लगेगा? अत्याधुनिक मशीन से, जैसे इन लोगों का कहना है अत्याधुनिक मशीनरी से मनरेगा का कार्य हो रहा है, जैसे पोखरा का खुदाई हो रहा है, रोड भराई हो रहा है इन लोगों को। माँ पति देवी कहाँ घर हुआ? नवादा। क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत बा, मालिक विकलांग की बात बेटा पागल बा, दुगो बेटी के हेते तो लड़का तन का आंधी कमा के खाता पी परत है, कोते न दिक्कत, बहुत दिक्कत बा। और क्या दिक्कत है? हां तो ये दिक्कत बा, आवाज में घर धान दबा ना नहीं खे मिल रोजगार मनरेगा से? हां ताही कुछ नहीं खे मिलल बा? ना नहीं खे मिलल, कोनो काम है हमनी के मिलल, हमनी के बहुत दिक्कत बा, कुछ मिलले नहीं खे हमनी के, खाए पर घर द्वार के सब के तकलीफ बा, हमनी का कुछ नहीं का बेटा पतो हमनी के मड़ई चाटी के घर बा चुआ था बीजा था निसो सब कुछ का तकलीफ है। हमर सास बारी उनकर अति मुसमाती मिल के अब बन हो गई बा, वो नहीं के मिलो। मोतिहारी संग्रामपुर से संतोष पांडे की रिपोर्ट R9 भारत।